हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 साल के लंबे इंतजार के बाद समर फेस्टिवल का जो है वो आयोजन हो रहा है। शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 4 जून से शुरू होकर 7 जून तक चलेगा। जिला प्रशासन की ओर से समर फेस्टिवल कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी खेल परिसर में बच्चों के लिए जो है वो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। शिमला के डीसी आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल गतिविधियों के जरिए बच्चों को बेहतरीन मंच देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, इसे लेकर भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से समर फेस्टिवल का आयोजन नहीं हो सका था, चूँकि अब कोरोना के मामले नियंत्रण में है, ऐसे में सरकार की ओर से इस साल समर फेस्टिवल कराने का फैसला लिया गया है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल जो है समर फेस्टिवल कराया जाता है, पर पिछले 2 साल जो है कोविड की वजह से हम लोग समर फेस्टिवल नहीं करा रहे हैं। समर फेस्टिवल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उसमें से एक एक्टिविटी जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कराना होता है। तो उसी कड़ी में जो है 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी खेल परिसर में बहुत सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाएंगी। इसका उद्देश्य एक तो ये है कि बच्चों को जो है वो नशे से दूर करना, और जो स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स जो है डिसिप्लिन इनकलकेट करता है लोगों के अंदर। तो बच्चों को डिसिप्लिन बनाना, नशे से दूर ले जाना, और उनको जो है रूटीन जो जैसे पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों से के अलावा एक अल्टरनेटिव देना, ये उद्देश्य है। जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हम लोग जो है समर फेस्टिवल में इस बार कर रहे हैं।